हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर हैप्पीनेस गार्डनिंग में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है समर के एक ऐसे प्लांट के बारे में जो आपको पूरी समर या यूँ कहें तो पूरे ईयर आपको फ्लावर प्रोवाइड करता है और आपको हर रोज़ फ्लावर देता है। तो वैसे तो ये बहुत ही कॉमन प्लांट है जो हर घर में आपको मिल जाता है और ये प्लांट देखने में बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है और इसके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं। ये प्लांट सर्दी हो या फिर गर्मी हो आपको फ्लावर देता ही रहता है। मेरे पास इस प्लांट की दो वैरायटीज़ हैं, एक वाइट और एक जो आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा वाइट कलर का विंका प्लांट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है और इस पर कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। इस प्लांट की और भी वेराइटीज़ आती हैं जो हाइब्रिड की होती हैं और आपको वो नर्सरी में 30 से 20 रुपए के अंदर मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, वो वेराइटीज़ बहुत ही छोटी होती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट की केयर के बारे में कि हम इस प्लांट की केयर कैसे करें जिससे हमारा प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर दे और सालों साल हमारे पास चलता रहे। तो पहले हम बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट के बारे में कि इस प्लांट को कैसे सनलाइट दें जिसमें इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके। तो दोस्तों, आप इसे ऐसी जगह पेश कीजिए जहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर के 1 या 2 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती हो, इसमें इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इस प्लांट के पॉट के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने इस प्लांट को प्लास्टिक का पॉट दिया है जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है। आप चाहें तो आप इसे मिट्टी का या सेरेमिक का पॉट दे सकते हैं, इसमें भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। आप इसे पॉट 10 से 12 इंच का पॉट ही दें जिसमें इसको आपको बार बार रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। मेरे इन प्लांटों को 1 या 2 साल हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके नीचे मैंने ये एस्पेरिकस फर्न और ये मैंने रेड प्लांट की कटिंग लगाई है और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट रखा है। इस पर इन पर चनकर धूप आए और इनकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरा ये प्लांट 1-2 साल पुराना है, इससे इसके सीड्स गिरे थे जिससे इसमें एक बेबी प्लांट उग आया है और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जब ये बड़ा हो जाता है मैं इसे दूसरे कंटेनर में सेट कर दूंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट की सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट को सॉइल वेरी वेल ड्रेन्ड सॉइल दीजिए, इसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा गार्डन सॉइल और एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोको बीट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत तो होती नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे 3 से 4 महीनों में एक बार गोबर खाद दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के वाटरिंग के बारे में। तो आप इसे गर्मियों में सुबह शाम वाटर दे सकते हैं और सर्दियों में 2 से 3 दिन में से एक बार वाटर दे दें जिससे इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। और ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट तो होता ही है और इसके अलावा यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप इस प्लांट को अपने घर में प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी आपको केयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम केयर मांगता है। तो दोस्तों, एक मेरा प्लांट वहाँ पर भी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरे एक पर्पल कलर के बिंका का एक और प्लांट है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और आप देख सकते हैं इसमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं और इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना खिलकर आया है। इस प्लांट में कुछ टाइम बाद फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसमें देखिए इसमें कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। इस पॉट में मेरे बिंका के 2 प्लांट्स थे तो एक ये है, इसमें फ्लावर आ रहे हैं और इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इसके बगल से ही मैंने एक अजवाइन का प्लांट भी लगाया जिसकी ग्रोथ भी, इसको मैंने कटिंग से ग्रोथ किया था और इसकी ग्रोथ अच्छे से चल रही है। और इसके बगल में मैंने एक स्नैक प्लांट भी ग्रो किया है जिसकी अब ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, विंका के प्लांट के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दे चुका हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।